हेलो गाइज एंड वेलकम वेलकम बैक टू हीरोइक मैजिक डबल। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एडिना एट जो कि श्राइन ऑफ द सरपेंट जिसका नाम है, मैं उसमें पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे मैं अपना फर्स्ट मैच स्टार्ट कर चुका हूं। और फ्रेंड्स जिन लोगों को ये गेम समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो ये बहुत ही सिंपल है। अगर जो लोग स्ट्रेटजी फ्रेम यानी कि कार्ड गेम टाइप का खेलते हैं, जैसे कि कैस्टल क्रेश टाइप का एक गेम है, क्लेश रॉयल एंड इटीसी, बहुत सारे कार्ड टाइप का गेम अगर जो लोग खेलते हैं तो उसे ये आसानी समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हो, इसमें थ्री लेन है, 1 2 3। तो थ्री लेन में आपको जो उतारना है कार्ड को, जैसे कि एक रिफ्लेक्टर, ये जो कार्ड है ये रिफ्लेक्टर, और ये एक बंदूक जो लेके आ रहा है हाथ में, गन लेके जो आ रहा है, इसका नाम भूल रहा हूँ। ये सभी कार्ड को आप लेन में उतार सकते हो। आपके भी पास है जो कार्ड आपका सबसे पहले है उसको फर्स्ट में उतारना है। तो ये जस्ट कैस्टल क्रैश टाइप का बहुत ही सिंपल गेम है। और जैसे फ्रेंड्स आप कैस्टल क्रैश गेम खेले हो तो उसमें आपको बहुत सारे कार्ड आप समझ गए कि कौन कैसा है, किसका क्या पावर है, कौन कैसा यूज हो सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको पहले सब कार्ड्स को समझना पड़ेगा और सबका डिटेल्स जानना होगा। तो उसके और मैं डिटेल्स बता भी चुका हूँ, बहुत सारे कार्ड का मैं पहले भी बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपके पास लेजेंडरी नहीं हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉमन से भी आप मतलब बहुत लंबा लंबा यानी कि एडिना एट तक जा सकते हो, ओनली कॉमन अगर आपके पास रहेगा तो। वैसे मेरे पास दो लेजेंडरी है, सॉरी एक लेजेंडरी और एक मैथिक है, तो जस्ट लेजेंडरी टाइप का ही मैथिक हुआ। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स अभी 3462 ट्रॉफीज है जो कि हमको 3500 पर आएंगे, तो हम चले जाएंगे एडिनाज एट में। तो यहाँ पे देख रहे हैं बैटल्स और बढ़िया चल रहा है बैटल्स। और यहाँ पे मैं भी ये तीर वाला का यूज किया, इसका अटैक बहुत ज़्यादा है, ये नंबर 5 पे उतरता है। फिर अमेजोन का यूज किया जो कि सबसे लास्ट लेन में अमेजोन जो हरा करके है, ग्रीन करके है, तो मैं अमेजोन का यूज किया। एंड अब मैं यहाँ पर यूज करूँगा, यूज करने से पहले ही विन कर गया, तो अब मैं क्या यूज़ करूँ। तो यहाँ पे हमको +32 ट्रॉफीज मिला क्योंकि ये बंदा भी और न्यू रैंकेड इन लीडर बोर्ड, मेरा लीडर बोर्ड में न्यू रैंकेड 6 पे। इससे कुछ नहीं होता है, रैंकेड घटता है बढ़ता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज फ्रेंड्स आपको जल्दी से जल्दी आपको मैं पहुँच के दिखाता हूँ श्राइन ऑफ द सरपेंट। और फ्रेंड्स जिन लोगों को पता नहीं होगा कि आप अपना कलर में नेम कैसे लिख सकते हो, तो फ्रेंड्स मैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने देखा होगा उसे पता चल गया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसे पता नहीं चला होगा। तो मेरे पहले वाले वीडियो आप लोग देख लेना, तो उसमें कलर में नेम कैसे लिखा हूं, तो मैं उसमें बता दिया हूं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये मैं दो मेटामॉर्फ का यूज कर रहा हूँ, मतलब इस वाले डेक में, एंड दो प्लांट टाइप का एक जियांट है, मैं उसका भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं फर्स्ट से मेटामॉर्फ यूज़ कर लिया। तो जैसे मैं मेटामॉर्फ यूज़ किया एंड सेकेंड लेन में मैं यहाँ पे ये यूज करूँगा, प्लांटेशन टाइप का जो कार्ड है। एंड इसने एसक्यूटी ऑनर का यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे हेल का यूज़ किया, फायर ब्लास्ट जो नाम अभी भूल रहे हैं, नाम उतना याद नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, और मेरा लेवल 6 में है ये कार्ड, तो मेरे ख्याल से इसको डेथ कर देगा, तो डेथ कर दिया। और जस्ट मुझे फ्रेंड्स जनरली ओनली 1 यही मैच सिर्फ विन करना है, तो मैं विन कर रहा हूँ। तो देख रहा हूँ यहाँ पे मैं एरो वाला यूज, मतलब रेंज अटैक वाला ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं रिफ्लेक्टर का यूज किया, तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है फ्रेंड्स, मुझे जल्दी जल्दी विन करना होगा। एंड फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको कोई कार्ड नहीं मिला फ्रेंड्स, आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कैस्ट एडिनाज में जाने का, पहुंचने का कोशिश, मतलब डेक बनाओ अपने हिसाब से, जो आपको सूटेबल डेक हो अच्छा, तो उस डेक के हिसाब से आप मतलब अच्छा खेलो। और एडिनाज आप अगर आगे एडिनाज में जाओगे तो आपको बहुत सारे कार्ड, नए नए कार्ड आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ मिडिल लेन में लेजेंडरी का यूज किया हूँ, तो देख सकते हो मैथिक कार्ड का यूज किया हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एंड जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और ये भी लेजेंडरी का यूज कर रहा है। तो मेरे पास मेरा एक ही चीज़ है जो हेल्प फ्रेंड है, जो कि ये बहुत ही हमको मतलब फ़ायदा देता है, इसको भी लेजेंडरी कर दिया है, पहले एपिक में था, तो वो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे तुरंत हमको विन करना होगा, बस थोड़ा सा मैच है। एंड देखते हैं फ्रेंड्स न्यू एडिनाज कैसा होता है, क्योंकि मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, शायद मैं एक बार फ़ोटो पर देखा था, बट मैं अभी पूरा ध्यान से नहीं देखा हूँ श्राइन ऑफ द सरपेंट। तो यहाँ पर देखते हैं, विन कोशिश तो कर रहे हैं विन करने का, तो अभी तक मैं देख रहे हैं। एंड इसने स्कूल किंग टाइप का एक कार्ड है, क्या नाम है भूल जाते हैं, तो उसका यूज किया है।
एंड वो देखो यार लेगेंडमैथिक का पावर देखो, सीधा देखो खड़ा करके इसका एबिलिटी कितना मस्त है, खड़ा करके सबको एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो येलो फ्रेंड्स फाइनली मेरा 3500 प्लस ट्रॉफीज हो चुका है, प्लस 31 हमको मिल गया। तो यहाँ पे देख लो हम श्राइन ऑफ द सर्पेंट जो इसका नाम है, एंड मेरा रैंकेड लेवल 5 रैंकेड में आ गए। तो देखते हैं पहुँच गए, तो ये रहा श्राइन ऑफ द सर्पेंट। तो पेंट्स आ गए फाइनली न्यू एडिनाज 8, जो कि सबसे लास्ट एडिनाज 8 है। तो इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में फ्रेंड्स और भी ज़्यादा एडिनाज को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अवेलेबल कार्ड्स यहाँ दिख रहा है और भी बहुत सारे हैं, एंड एडिनाज 3500 मेरा कंप्लीट, और ये लिगेंड्स है जो कि 4000 के अपर जाएगा। वो सब को ऐसे लिगेंड्स बोला जाता है, लिगेंड्स दिया हुआ है, मतलब 4000 का पड़ गया, बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज हो गया। और ये देखो पेंट्स, ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, इसका नाम है क्रिस्टल्स क्लोजेस। ये मतलब इसका हेल्थ और अटैक बहुत, और ये करो इसका 245 अटैक, एंड ये डिलेवन वो लेगेंडरी है फ्रेंड्स, एंड सोल लीच। ओ यार ये लेगेंडरी हम देखें, ये वाला जो ये लेगेंडरी एक स्नैक टाइप का होता है, सांप टाइप का होता है, जो कि अपने लेन में आता है और लेन में आके सीधा चलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स विक्टोरी चेस्ट को ओपन करना है, तो मैं एक मैच लास्ट मैच आपको दिखाता हूँ और देखता हूँ कैसा लगता है इसका पिच ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो लास्ट मैच मैं खेलता हूँ, तो आई प्लेइंग द लास्ट मैच ऑफ हीरोइक, जस्ट वेट। तो यहाँ पे मैच स्टार्ट। वो यार देखो क्या गजब सीन, यार देखो क्या इसका ग्राफिकल, यार तुमको क्या पसंद इसमें क्या नहीं, देखो इसमें क्या क्वालिटी, यार हमको बहुत बढ़िया लगता था क्वालिटी। पहले गेम में शुरू में तो बहुत कुछ होता है डिस्टर्ब, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना गेम को डेवलपर्स बहुत अच्छा इसमें काम किया, और देखो क्या गजब का इसका नाइस लुक देखने में, देखो क्या कितना सुपर लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पे मैच चल रहा है फ्रेंड्स, लेगेंडी का यूज किया था हम, उसको फायर ब्लास्ट से मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड उसने भी मुझे डिस्ट्रॉय किया मेरा प्लांटेशन वाले को। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, एंड उसने वो रेज का यूज कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं ओनली वन मैच विन करना है, तो मुझे विक्टोरी चेस्ट ओपन हो जाएगा, एंड उसने होलो नाइट होलो नाइट टाइप का है, क्या नाम है, इमोर्टल नाइट इसका है, तो इमोर्टल नाइट का इसने यूज किया। तो यहाँ पे हमको ये मैच विन करना है, देखो हमको इसका देखो क्या बैकग्राउंड है, हमको बढ़िया लगता है, रेड कलर का है पूरा, और डिजाइनिंग किया हुआ है पूरा, मतलब एडिनाज 8 का डिजाइनिंग और भी बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से, और भी आगे जो और भी डिजाइनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड अभी जब इतना सुंदर मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, तो आने वाले टाइम में तो और भी गजब का होगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैं लेगेंडी मैथिक स्यूमडेक मैथिक का मैं यूज किया, एंड मैं अभी जस्ट एरोज का यूज कर रहा हूँ, वो उसने भी रेज का यूज किया, प्लस अमेजोन और भी वो एरोज का यूज किया, मैं भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसे डिस्ट्रॉय करना आम बात नहीं है, मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, मुझे फट से एरोज का यूज करना होगा, एंड खटाखट जितना स्पीड में हम एरोज का यूज कर सकते हैं, एंड प्लांटेशन का यूज कर रहे हैं, मिडिल लेन में यूज कर रहे हैं प्लांटेशन का पार्ट से, प्लांटेशन का जल्दी जल्दी विन। वो गजब, तो क्या मैच, गजब मैच फ्रेंड्स, मज़ा आ गया मैच खेल के। तो यहाँ पे देख लो प्लस 31 ट्रॉफी, प्लस 31 पॉइंट्स से मेरा इंक्रीज हुआ, एंड फाइनली मेरा विक्टोरी चेस्ट का जो था उतना मेरा पूरा हो गया, विक्टोरी चेस्ट भी पूरा हो गया, प्लस न्यू एडिनाज में भी पहुँच गए। तो फ्रेंड्स मैं विक्टोरी चेस्ट को ओपन करने के लिए ही बस खेलता हूँ, और उतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, एंड फाइनली यहाँ से ओपन किए, एंड इसमें से माउंटेन जियंट इसका नाम है, आप जान के बोल गए थे प्लांटेशन हमको लग रहा था। और फ्रेंड्स मैं यहाँ से इसको जो मैं रूल के साथ खेल रहा था, तो मैं इसको अभी लेवल अप करता हूँ, लेवल अप कर अपग्रेड कर रहा था। फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन को गौर से देखना, इसको लेवल अप करने से इसका स्क्रीन जो है अभी हिल नहीं रहा है, मतलब इसका स्क्रीन हिलने लगता है, मतलब ये जो अभी रूल है जो मतलब अपना मुक्का करके ऐसे जो खड़ा है ये अचानक हिलेगा, और इसके शेर का दहाड़ टाइप से पीछे इंक्रीज होगा। जैसे देखो यहाँ से इसको अपग्रेड कर लिया, अब देखो फ्रेंड्स इसके पीछे शेर का दहाड़ आ गया, एक आग टाइप से आपको जो दिख रहा है, मैं बैक करके आपको दिखा रहा हूँ, वो फ्रेंड्स देखो इसका स्क्रीन देखो क्या गजब लग रहा है, लुक देखो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देखो, ये हिल रहा है, प्लस इसके पीछे देखो शेर दहाड़ रहा है जोर से, मतलब रोअर टाइप से एक से लायन दहाड़ रहा है, ड्रैगन है, ड्रैगन सॉरी हम लायन बोल रहे हैं, ड्रैगन दहाड़ रहा है,
तो गजब का लुक बनाया गया है। तो आप जितना इसको लेवल अप करोगे तो इसका जो और लुक देखने मस्त लगेगा। और उसी तरह इसका देखते हैं नोएला का, इसका तो हम कर चुके थे। तो ये देखो, ये तो हिलता है, इसका हाथ हिलता है, प्लस विंड एयर चल रहा है बर्फीला टाइप से। एंड इसका भी किए हैं या नहीं किए पता नहीं, इसका नहीं किए हैं शायद। एंड अभी मैं टेडिन डाही का भी कर लेता हूँ, तो टेडिन डाही का भी कर लेता हूँ। और अब इसमें क्या होता है, ओ फ्रेंड्स नाइस, इसमें देखो इसमें चकड़ी चकड़ी देखो फ्रेंड्स, चकड़ी घूम रहा है, क्या गजब लग रहा है देखने में। इसका देखते हैं स्क्रीन, इसको करके रूल को हटा के इसको हम लगाते टेडिन डाही। वो देखो यार स्क्रीन, ऊपर से घंटी ऊपर में बज रहा है, बेल बज रहा है, एंड नीचे में वो घूर रहा है, मतलब चकड़ी घूर रहा है, क्या गजब लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड ग्राफिकल बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एंड हमको खेलने में बहुत मज़ा आता है तभी हम खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू ऑल विल बी हैप्पी।